राम राम अंकल जी। राम राम जी। तो अंकल जी अपना शुभ नाम और एड्रेस बताएं जी। मेरा नाम है चौधरी लालचंद जाट झाजड़िया और एड्रेस प्रॉपर हमारा सूरतगढ़ रोड सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज और वृद्ध आश्रम रोड के ऊपर हमारा मकान पड़ता है। मेडिकल कॉलेज के पास डेयरी फार्म पड़ता है, किसान डेयरी फार्म से। तो श्री गंगानगर के मेन रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से कितनी दूरी है जी? 1.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से है। अच्छा जी। बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी। और शहर के बिल्कुल बाहर वाली साइड में हमारा सरकारी हॉस्पिटल के सामने एड्रेस ये पड़ता है सारा। तो जैसे अंकल जी कोई बाहर से अदर स्टेट से ग्राहक आते हैं तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन आके कॉल करे तो आप वहां से पिकअप करके भी ले आओगे? बिल्कुल, मेरे को ग्राहक घर से चलते बार भी कॉल कर लेते हैं। अच्छा, उनको मैं 2-4 बार पहले भी कॉल कर लेता हूँ, रस्ते में परेशान ना हो। जी जी। तो कई बार ऐसा होता है रस्ते में किसी बस या गाड़ी खराब हो जाती है तो मैं हिसार से जाके मेरी कार में ग्राहकों को लेके परेशान नहीं होने दिया किसी। अच्छा जी। तो अंकल जी अपना मोबाइल नंबर और बताएं जी। मेरा मोबाइल नंबर 98-294-095-86 और दूसरा नंबर है 97-997-80-919। तो ये नंबर व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे। तो सभी पशुपालक भाइयों को राम राम, नमस्कार। मैं संदीप स्वामी स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से क्लिक करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सके। तो अंकल जी आज की वीडियो में कितने एनिमल दिखाओगे जी जो सेल के लिए जी? आज अभी मेरे पास सेल हुए 8 एनिमल है। अच्छा जी। तो 5 तो ये भाई साहब ग्वालियर से आए हुए हैं, यानी कि कस्टमर भी आए हुए हैं। कस्टमर पास में मेरे। अच्छा जी। मैं कभी वीडियो लगाता हूँ कस्टमरों के साथ लगाता हूँ, जितने की भैंस और गाय उनको खरीदवाता हूँ जी, उनके रूबरू बात करवाता हूँ। जो आने वाला कोई भी अपना कस्टमर है कंफ्यूज होकर ना आए जी, कि कहीं सस्ती मिल रही होगी या कहीं ऊंची नीची मिल रही हो, सारी बात बता के मैं करवाता हूँ जी जी। तो जो कस्टमर आए हैं अंकल जी उनको भी बुलाना जी। हाँ अभी बुलाओ साहब, आ जाओ। आज यहाँ आज खड़ी करी भैंस। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो अपना शुभ नाम और प्रॉपर पूरा एड्रेस बताएं जी। हाँ बताएं जी, बताओ अपना पूरा एड्रेस। मेरा नाम शांति शरण दुबे। शांति शरण दुबे जी। ग्राम निमघना तहसील पिछोर जिला शिवपुरी एमपी से होंगे। शिवपुरी एमपी से आए हो आप? हाँ। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अंकल जी से संपर्क कैसे हुआ था जी आपका? भाई साहब यूट्यूब पे देखने के बाद भाई साहब से हमारा संपर्क जुड़ा है, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से हुआ। हाँ। तो जैसा यूट्यूब पर इनकी वीडियो डलती है यहाँ पर आने के बाद में आपको वैसा ही देखने को मिला है जी? उससे भी बेहतर मिला है हमें। तो ऐसा तो नहीं है कई बार जैसे भैंस इनके पास नहीं होती और एक्स्ट्रा एडिटिंग करके वीडियो लगा देते है, वैसी फ्रॉडबाजी तो नहीं? नहीं नहीं, वो तो इन्हें हमें दिलाई है जी जी, गाँव में जा जा कर दिखाई, बढ़िया भैंस मिलती है, इनकी डेयरी भी बढ़िया है, जब पसंद आती है वो ले जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे जैसे आप शिवपुरी से यहाँ पर गंगानगर आए हो एमपी से, तो वहां से कैसे, ट्रेन से आए थे कि बस से? जो भाई जैसे आपकी जैसे आपके एरिया से वीडियो देख रहे हैं तो उनको जैसे पता चल जाए कि वहां से कौन सा साधन आता है तो उनको भी आसानी हो जाए। झांसी से डायरेक्ट गाड़ी मिलती है गंगानगर के, झांसी से सीधी ट्रेन मिलती है यानी श्री गंगानगर की, गंगानगर। अच्छा जी। तो आपने कितने एनिमल लिए जी? 4 भैंसें 1 गाय। 4 भैंस और 1 गाय रखी है। तो जैसे जो भी एनिमल सभी ब्याई हुए रखे हैं जी? 4 ब्यानी है 1 गाय बगैर ब्यानी है। नहीं नहीं, जैसे आपने ब्याई हुए पशु रखे हैं सभी? हाँ। जैसे भैंसे 4 ब्याई हुई है, आप बता रहे हो 1 गाय है जो ब्याने वाली है। हाँ। तो जैसे ब्याई हुई भैंसों की आपने मिल्किंग चेक करके रखी है जी? हाँ जी। बाहर से दलवाई है कि इनके फार्म से रखी? नहीं, इनके फार्म से एक ली है। अच्छा जी। उसकी 3 टाइम मिल्किंग की है हमने। एक इनके फार्म से रखी है, उसकी 3 टाइम मिल्किंग की है, और बाहर से जो रखी है उनकी भी जी? उनकी 1 दिन की ब्याई हुई थी तो उनकी मिल्किंग देखी है। अच्छा जी। तो अभी उतना दूध नहीं बना पाई, दूध देंगी। यानी कि ये मतलब पूरी संतुष्टि से दिलवाई गई है जी? संतुष्टि से। तो सौदा करवाया था, सौदे में जैसे कोई हेरफेर तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं नहीं, जो आपने बोला जितने रुपए की भैंस लेनी है उससे बढ़ाकर तो नहीं दिलवाई गई? 5 पैसे भी नहीं लिए हम। अच्छा जी। तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो जी? बिल्कुल संतुष्ट है साहब। तो अंकल जी किस किस प्राइस में इनको भैंस लेके दिए जी? हमारे लिए जी रेट बताएं। हाँ जी। 1-1 5 की है। कौन सी 1-5 की रखी है? दो कस्टमर वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चले जी। अंकल जी आप आइए जी, गाय के पास वाली ले जी, माइक ले भाई। आप भी साथ साथ जाइए जी बाबू जी, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट। ये गाय है? गाय। अच्छा जी।
20 प्लस वाली है, 20 प्लस वाली है। 15 दिन ब्याने का ले रही है, खुलवाना जी इसको गाय को। हाँ खुलवा रहा हूँ, 15 दिन ब्याने के अभी बाकी है इसके। अच्छा जी, तो 15 दिन का समय अभी बाकी है बच्चा देने के अंदर, और 20 लीटर प्लस आप बता रहे हो। हाँ, 20 प्लस की बिल्कुल जानकारी से मैंने गांव में से किसान के दिलाई है। तो अंकल जी इसकी नस्ल बताएं जी, कौन सी नस्ल की गाय है ये? साहिवाल ब्रीड के अंदर गाय है। अच्छा जी। हाँ, ये ना गर्मी मानती और ना ठंड मानती, प्योर साहिवाल नहीं है, ब्रीड इसकी साहिवाल वाली आती है, क्रॉस ब्रीड के अंदर है। क्रॉस ब्रीड के अंदर है। जैसे ऐसी गायों की जैसे फेंट भी अच्छी रहती है, भैंस जैसी रहती है, बिल्कुल भैंस जैसी, और हर क्लाइमेट में सूट भी होती है। हाँ जी हाँ जी, ना गर्मी मानती ना ठंड मानती। तो अंकल ये कितने रुपए की दिलवाई गई है जी? ये 56,000 रुपए की दिलवाई गई है। 56,000 रुपए की, यानी कि 20 लीटर प्लस क्रॉस ब्रीड की गाय। 55 की दिलाई है, मैं 1,000 बढ़ा के बता रहा हूँ, कोई आने वाला कस्टमर दिक्कत ना माने। तो अंकल जी सही है जी? सही है, पूछो इनसे, 1,000 बढ़ा के बता रहा हूँ। अच्छा जी हाँ जी, और आपके अनुमान से देगी 20 लीटर प्लस? देगी जी। तो इससे आगे अंकल जी कौन सी? ये भैंस जी, ये जोटिया है। अच्छा, दूसरी ब्यांत की पूरा 15 लीटर दूध देगी आराम से। अच्छा, अभी 12 किलो खीस है इसके नीचे। तो अभी दूध निकला हुआ है ना? अभी सबका दूध, सबका दूध निकला हुआ है, कोई दूध निकलने वाली नहीं है। तो दूध निकला हुआ है दोस्तों, आप जोटी देख सकते हैं, पूरी जेड ब्लैक है, आप भाइयों के सामने खीस से खाली है, और 1,05,000 रुपए की दिलवाई गई है। तो कितना दूध निकाल देगी जी? 15 किलो रखेगी दूसरी ब्यांत भी, 15 लीटर दूध निकाल देगी यानी कि। और इससे आगे जी? 16 किलो, अभी बताता हूँ। हाँ जी जी, बोल गए। इससे आगे ये नीचे कटिया है। अच्छा जी, आज 20-25 दिन की ब्याई है। अच्छा जी, अभी 15-16 लीटर दूध तैयार है, 15-16 लीटर पर रहेगा दूध। हाँ, इन्होंने निकाल के लिए। अच्छा जी हाँ जी, तो ये कितने रुपए की? ये 1,16,000 रुपए। 1,16,000 रुपए 15 के लिए, 16 बता रहा हूँ। अच्छा, मैं 1,000 फालतू बता रहा हूँ। अच्छा जी हाँ जी, ठीक है जी। और इससे आगे जी? इससे आगे नीली रावी है, नीली रावी ब्रीड, जिसको नीली रावी बोलती है जी, जी। नीली रावी भी इसके कमी थोड़ी छोटी सफेद नहीं है। अच्छा जी, और ये बुल सफेद नहीं है, यानी कि मुर्रा और नीली रावी का क्रॉस है। क्रॉस है। तो भैंस की पीठ बुटा हाइट लेंथ दोस्तों देख सकते हैं, बहुत शानदार ताजी ब्याई हुई है। तो कितना के इसके दूध भी कितना तैयार था जी? अभी ये अभी सारी 5-4 दिन की ब्याई हुई है, 3 दिन की ब्याई है, 3 दिन की ब्याई हुई है। अभी इसके 14 लीटर खीस तैयार है। और ये कितने रुपए की जी? ये 1,13,000 रुपए। 1,13,000 रुपए 12 के लिए, मैं 13 के बता रहा हूँ, बढ़ा के बता रहा हूँ। जो भी एनिमल है पर कस्टमर बढ़ा के परेशान ना हो। जी जी हाँ जी। तो यानी कि जैसे अभी अंकल जी पूरा जैसे बाजार गर्मियों का सीजन है, तो भैंसों का ब्यांत कैसे है जी? भैंसों का ब्यांत ठीक चल रहा है। अच्छा, मिल रही है भैंस? भैंस मिल रही है, मिल रही है। पूरी मेहनत करने से, कोशिश करने से, भागा दौड़ करने से तो मिलती है। हाँ जी हाँ जी। ऐसे नहीं भी आए भैंस लेके चले गए, 1-2 दिन लगते हैं। अच्छा, भैंस मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात, जैसे कस्टमर लेनी चाहेगा वैसी मिलेगी। तो भाजी आप आए हो जो जैसे इनके पास, तो आपको बाहर से फील्ड में से कितनी की भैंस दिखाई थी इन्होंने? इन्होंने हमें कम से कम 50 भैंसे दिखाई। 50 भैंसे बाहर फील्ड में से घूम के दिखाई, और उनमें से आपने ये 5 एनिमल सिलेक्ट किए हैं। अच्छा जी, तो भैंसे और भी खूब है यानी कि कहने का मात्रा में नहीं है। अच्छा जी, मैं इनको बोला था अभी आप 1,500 में 1,000 तक भैंस दिखा दूंगा ताजी भैया। अच्छा जी हाँ, इनको भी ये 50 इन्होंने सिलेक्ट किए भैंसे दिखाई में से। अच्छा जी, कहीं 10 दिखाई, कहीं 15 दिखाई, कहीं 5, मतलब 50 भैंसे इन्होंने सिलेक्ट कर ली थी, इनमें से हम 5 भैंस छांट लेंगे। यानी कि पहले उन्होंने, तो जैसे पहले अंकल जी जैसे इन भैंसों को इन्होंने सिलेक्ट किया। हाँ जी, तो उससे पहले जैसे कच्ची साई देकर कितना रुपए, मतलब साई देकर नहीं, पहले हमने सारी इनको, मैं बोला तुम नए आदमी हो। हाँ जी, आप घूम के सारी भैंसे देखो। हाँ जी हाँ जी, सारी भैंस देकर आप आराम से सिलेक्ट करो। ये बोले 40-50 भैंस इनके सिलेक्ट में थी। जी जी, फिर उनमें से ये 5-4 भैंस जो इन्होंने खरीदी ये छंटी हमने। अच्छा जी, ये छांट के फिर इनकी साई करवा के पक्की, फिर क्लियर किया है। तो जैसे अंकल जी कोई भी जैसे व्यक्ति आता है तो 2 टाइम जैसे किसी भैंस की मिल्किंग करता है। हाँ जी, तो पहले टाइम जैसे कितनी उसको 500 जैसे 100-500 रुपए साई देता है वो। 100 रुपए 50 रुपए साई देते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। अगर बाई चांस उसने 5-10 हजार रुपए साई दे दी फर्स्ट टाइम में ही, हाँ। अगर दूसरे टाइम में अगर भैंस फेल हो जाती है तो वो पैसा रिटर्न हो जाएगा? बिल्कुल होगा, हम दिलवाते नहीं कस्टमर से, हमारा एक असूल है किसान डेयरी फार्म का। जी जी, अगर ग्राहक कहेगा मैं 2 टाइम मिल्किंग करूंगा, हाँ जी हाँ जी, तो उससे 2,500 रुपए साई दिलवाएंगे। जी जी, सामने वाला अगर नहीं देगा तो हम हमारी जेब से वापस दे देंगे। यानी कि अगर 5-10 हजार दिलवा दे, जी जी, फिर देने वाले का दिल दुखता है। हाँ जी हाँ जी, और अगर कस्टमर को ना दे तो फिर वो दिक्कत आती है। हम कस्टमर को इसके अंदर रखते नहीं, कच्ची बातों के अंदर बिल्कुल नहीं रखते। तो यानी कि अगर अगर फेल भी होती है तो वो पैसा भी रिटर्न हो जाता है। 100 रुपए की बात है, रिटर्न करे तो ठीक है, ना करे तो उसको फेल करके आ जाते हैं। तो भाऊजी आप बताओ, अगर और भी जैसे हमारी वीडियो देख रहे अदर अदर स्टेट से, तो इनके पास कोई भी भाई जैसे आना चाहे अदर आपके एमपी साइड महाराष्ट्र साइड, तो क्या संदेश करोगे जी? भाई हम इनको बहुत अच्छा आदमी मानते हैं जी, बहुत भले नेक आदमी हैं जी,
इनका कहीं व्यवहार गलत नहीं है जी। खान पान में, भैंसे दिखाने में सब बढ़िया काम रहता है इनका, यानी कि रहने सहने में, खाने पीने में कोई किसी प्रकार की, इतनी अच्छी कि घर से ज्यादा बेहतरीन व्यवस्था रहती है। यानी कि आप इतने 800-900 किलोमीटर दूर से आए हो, हाँ। तो आपको ऐसा तो फील नहीं हो कहीं बाहर आए? हम घर से भी अच्छे है अपने। अच्छा जी, तो जैसे आपने YouTube पर सीधा इनसे संपर्क किया था कि कहीं और भी? भाई साहब से किया था। अच्छा जी, कहीं और भी आपने ट्राई की थी जी? नहीं, जो बात है दिल खोल के बोलो। हरियाणा चले गए थे साहब। अच्छा जी, तो हरियाणा में दलाल ज्यादा बेकार मिले हमें। अच्छा जी, आप हरियाणा भी यानी कि घूम के आए हो? हरियाणा जिंद साइड में घुमा हमने। अच्छा, जींद हरियाणा में आप घूम कर आए हो, उसके बाद में अंकल जी से संपर्क किया? फिर इनके बाद में आए। अच्छा जी, नहीं हुआ हरियाणा में इनके साथ? नहीं, वैसे नहीं होगा, मेरी सुनो बात, कोई और भाई तकलीफ में ना हो। हाँ जी, ये हरियाणा में XYZ हरियाणा पूरा बहुत लंबा चौड़ा है जी जी, ठीक है, जींद एरिए के अंदर जी जी, ये घूमे हैं, इनको कोई दलाल लोग वहाँ मिले, इनको भैंसे दिखाई जी जी, तो उनके घर या कमरे में ये लोग रुके, ये परदेशी आदमी थे, ये वहाँ रुक गए जी जी, इन्होंने इनके कोई समझ में भैंस नहीं है, वहाँ को 1.5 की 2 की 2.5 की जी जी, तेज बहुत थी, 2 दिन घूम लिए। हाँ जी, हाँ जी, उन लोगों ने इनके साथ ज्यादाती की जी, उन लोगों ने इनसे 10,000 रुपए बोले अगर आप भैंस नहीं लोगे तो हमारे को 10,000 रुपए दे के फिर जाओ। अच्छा जी, यानी कि वहाँ पर गए मेरे पास तो सही है भाव जी, 100% सही है। अच्छा जी, उन्होंने 10,000 रुपए दे के अपनी वहाँ से जान छुड़वाई। अच्छा जी, फिर चलो तुम 10,000 रुपए ले लो, हम तो निकले। फिर उसके बाद मेरे से इनकी बात होती है जी, इन्होंने मेरे को वही बात नहीं बताई। अच्छा जी, घर आके बताई, आज बताई इन्होंने जी, अगर ये मेरे को वहाँ बात बताते ये जी जी, तो मैं हरियाणा जहाँ भी थे वहीं पहुँचता। हाँ जी, हाँ जी, और इनके 10,000 नहीं लगने देता था, मेरे जेब से 10 लगता जी जी, तो कस्टमर पता नहीं कहाँ कहाँ से किसके भरोसे। हाँ जी, हाँ जी, वो जैसे आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी वीडियो देख के आप मतलब विश्वास करके इतनी दूर से इंसान आता है जी जी, उनके पास ही विश्वास करके गए हैं। हाँ, उन लोगों ने गलत बर्ताव किया है। अच्छा, उनमें से गलत बर्ताव करने वाला तो एक ही आदमी है जी जी, और पूरे रहने की बात खराब होती है। हाँ, वो सही बात है, पूरा थोड़ी कर रहे हैं जी जी, तो मैं उन लोगों को समझा के इनके पैसे दिलवाता है, इनको सारी करवाता, पर ये लोग वहाँ बताए नहीं इन्होंने। हाँ जी, वही काम हो गया ना, जैसे बताया इन्होंने। हाँ जी, जैसे एक गंगानगर का एक व्यापारी किसी से फ्रॉड करता है, ऑनलाइन में फ्रॉड करता है, तो पूरा गंगानगर खराब हो जाता है। इसीलिए मैं सभी व्यापारी भाइयों को, कस्टमर जितने लोग देख रहे हैं ना जी जी, जो हमारे एरिया के दलाल भाई या व्यापारी भाई जो भी है, सारी इसी काम को कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो सबको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सभी अपने कस्टमरों को बढ़िया भैंस दिलाओ, चाहे हाँ दूध निकलो, अगर कस्टमर ना चाहे तो धार मार के वो लेना चाहे उसको दिलाओ, उसको ये बात बोलो कि तू देख ले इसके 12 लीटर बता रहा तो 11 मान के ले जी जी, ये सभी भाइयों को मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यानी कि कस्टमर की पूरी संतुष्टि करवाओ, कोई दलाल से, कोई भी दलाल है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, व्यापारी भी कर रहा हूँ, दलाली का काम भी कर रहा हूँ जी जी, कोई भी आदमी उस दलाल भाई से टूटे ना जी जी, मैं ये नहीं कह रहा सारे मेरे पास है, सभी गंगानगर एरिया में या जिले में कहीं भी है, सारों के पास आओ। हाँ जी, हाँ सभी भाइयों को मैं कह रहा हूँ, ग्राहक की संतुष्टि करके उनको माल दिलाओ, तो एक दिन फालतू लग जाए, 2 दिन लग जाए। सही अंकल जी, अगर कस्टमर को पैसा देकर चीज लेनी है तो पहले आपकी संतुष्टि करो। पैसा भाई साहब, सभी जगह हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके ले आते हैं, उनके पास 500-500, 200-200 रुपए देते हैं, दिल दुखता है जी जी, कहाँ कहाँ से उन्होंने मजदूरी करके पैसे ले हैं जी जी, अगर जल्दबाजी में उनका पैसा कहीं गलत चला जाए तो दिलाने वाले के बच्चों को गाड़ी निकालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और उनका तो नुकसान कितना, मन तो दुखेगा अंकल, ये पैसा इकट्ठा करके लगा दो जी, बढ़िया घूम के भैंस दिलाओ, हमारे एरिया में भैंस बहुत कमी नहीं है। हाँ जी, पूरा कसिमपुर, कर्णपुर है, पदमपुर है, जो भी एरिया हमारा है जी जी, इस एरिया के अंदर ये बॉर्डर एरिया है, तारबंदी पहले नहीं थी जी जी, खूब भैंसे हैं, पर ये थोड़ी सी जल्दबाजी लेने वाला भी ना करे और दिलाने वाले भी ना करे, सबसे मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ इसी बात का। तो अंकल जी, जैसे आज के टाइम में जैसे बाजार कैसा चल रहा है, जैसे 10-12 किलो दूध वाली भैंस है, मीडियम भैंस है, तो किस रेट स्टार्ट होगी जी? देखो जी, ये मैं उसके अंदर ही बता रहा हूँ, 10-12 किलो वाले ठीक भैंस लेंगे ना अपने जी, तो आज का जो बाजार गर्म है 80,000 से 85-90-85, यानी कि 80,000 से प्लस स्टार्ट होगी। हाँ, कहने का मतलब यही है जी, अच्छी जैसे मतलब थोड़ी गर्म है, 12-13 किलो दूध देने वाली भैंस बढ़िया, मतलब शो क्वालिटी की लेनी है, हाई टूट की नहीं, ठीक होगी, मतलब वो तो जैसा अगला पैसा डालेगा, जैसा मतलब दूध पर आपने बताया, 10-12 लीटर की दूध की 80,000 रुपए से स्टार्ट है जी, रुपए में 25 पैसे कम 75 पैसे अच्छी होगी, मतलब वैसे हाइट बॉडी एक आधी चीज में कमी निकलेगी, बाकी दूध में नहीं निकलेगी उसके, और अगर 14-15 किलो दूध की लेंगे भैंस अपने जी जी, तो 1 लाख से ऊपर कूद के 10, 5, 15, 18 मतलब 10 और 20 के बीच में भैंस ठीक मिलेगी, दूसरे तीसरे की जो 14-15 किलो दूध देगी। अच्छा जी, और ताजी भी 5 दिन की 7 दिन की 10 दिन की ऐसी मिल जाएगी, और उससे अगर अच्छी कोई कहे 18 किलो की लेनी चाहूँ, 18 किलो वाले 30 से ऊपर कूदना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, अगर कोई झूठ बोले हाँ इसके 20 हो जाएगा 30 हो जाएगा तो नहीं होता, बिल्कुल झूठ बात है। हाँ जी, 100 में से 5-4 भैंस की 18-20 किलो दूध होता है, बाकी हर भैंस के नहीं होता। ठीक है, कोई खूब ऊंची लंबी होगी
और दूसरा मैं ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में कहना चाह रहा हूँ, कई कस्टमर भाइयों का फोन आता हमारे पास जी, क्या जी हमने वहाँ से भैंस मंगाई, फलानी जगह से मंगाई, ढिंगी से मंगाई, हाँ जी, हाँ जी। हमारी भैंस दूध कम दे रही है, उन्होंने इतना बताया वो बताया, तो खुद मंगवाने वाले की गलती मानता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन भैंस मंगवाओ तो जिसके पास व्यापार चल रहा है जी जी, उससे खूब मंगवाओ। हाँ जी, किसी को नहीं कह रहा मत मंगवाओ, और किसी भाई के बारे में ये नहीं कह रहा भी वो क्यों। बाकी अंकल जी हाँ। कहने का मतलब ये है, ऑनलाइन कोई भी भाई ले मत, सांस भरी चीज है हाँ। आपकी यहाँ पर आके निकाल कर लेके जाए, दो टाइम मिल्किंग करे, तीन टाइम करे, संतुष्टि करके लेके जाए, देख के जी जी। अगला चाहे कितने रुपए एक बार सुहा के ले जा सकता है, हाँ जी, हाँ जी, उसकी बिल्कुल संतुष्टि होती है। इसमें क्या है कि अगले का टाइम खराब होगा, थोड़ा एक दिन लगेगा, तो 500-400 रुपए भाड़ा है, तो उसमें क्या है कि उसका 1,00,000 रुपए खराब नहीं होगा। देखो जी, जी जी, भैंस का जो व्यापार करता है या भैंस पालता है ना जी जी, वो इतना करोड़पति धनवान नहीं होता जो ऑनलाइन लेकर, हाँ जी, कोई बात नहीं, अगर निकल खराब निकल गई तो साइड में रख दे, नहीं रखी जाती। ऐसा काम तो मीडियम वर्ग का आदमी कर रहा है आप, हाँ जी, हाँ जी, तो उसको खुद को आके भैंस खरीदनी चाहिए। सबके पास आओ, जितने भी एरिया में लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं हमारे पास हो, सबके पास आओ जी जी, आके बड़ी अपनी आंख कुछ देख के लो, तो किसी को लाना भी नहीं है बात का। हाँ जी, हाँ जी, तो अच्छी हमारी एरिया की भैंस दुधारू है जी जी, 8-8.5 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद भी दूध देती है जी जी, उसमें कोई दोहराय नहीं है, यानी कि लंबे टाइम दूध देती है, देती है। पर ऑनलाइन वाला काम है ना काफी हद तक फ्रॉड हो चुका। हाँ जी, कई भाई ना जैसे फेसबुक पर बहुत कर लेते हैं, जैसे आपकी अच्छी भैंस है उसकी फोटो लगा दी, भैंस तो बिकी है 2 लाख की, उस पर रेट लगा दिया 80,000। मेरे पास ग्राहक जी, जी। उनके साथ फ्रॉड हुआ, मैं आपको उसमें क्या है कि भोला भाला इंसान जो पहली बार देखता है तो वो फंस जाता है कई बार। अभी मेरे पास कल हम वीडियो और लगाएंगे, मेरे पास अपने कानपुर के आए हुए भाई साहब जी जी, उनके साथ 16,000 का फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन के अंदर। अच्छा जी, तो ये ऑनलाइन ये भी ध्यान रखो, कोई आदमी अच्छी भैंस दिखाए कम रेट में, 5-10,000 जमा करवाए तो उसका ना पूरा ठिया पूरी जान पहचान करके, और फिर ही ऑनलाइन पैसे डलवाओ, पैसे लोग डलवाते हमारे पास भी आ रहे हैं पैसे जी जी, पहले मतलब बैकग्राउंड उनका देखना चाहिए, वीडियो कॉल करो भैंस उनके पास है कि नहीं, सिंहपुर है, कर्णपुर है, 47 रुपए ये लोग अच्छे हैं, हाँ जी, उनके पास आ रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे पैसे, अगर इनको डलवा दो इनके पैसे कहीं नहीं जाते। केसरी सिंहपुर है, हर जगह लोग काम कर रहे हैं जी जी, पर पूरा सोच समझ के डलवाओ भी, वहाँ डलवा दे कल को उनके घर तो जा सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, और सीधा लोग बगैर अनजाने में डला देते तो किसको पकड़ेंगे, फोन ही बंद कर लेते हैं। तो भाई साहब जैसे आपने बाहर से 5 एनिमल लिए हैं, हाँ। तो पांचों का क्या चार्ज लिया है जी आपसे दिलवाने का भाई साहब ने? हाँ जी, भाई साहब ने 1,000 रुपए 1,000 रुपए पर एनिमल का लिया है, तो अंकल जी सही बात है जी? नहीं, 1,000 रुपए भैंस का लेते हैं हम आगे से और 1,000 पीछे से। अच्छा, आमने सामने सौदा करवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई चाहे पीछे से कुछ भी कहो। हाँ जी, हाँ जी, ग्राहक अगर हमारे को कहेगा 1,00,000 की लेनी है तो हम 99,000 लगाएंगे, 1,00,001 लगाएंगे तो ग्राहक को पूछ के लगाएंगे जी जी, हम बिल्कुल ऊपर नहीं लगाएंगे। हाँ जी, खूब तसल्ली करवा के 3 बार पूछ के फिर पैसे गिनवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, फिर पक्की करवाएंगे, ये नहीं भी है एक बार में हम करवा देंगे जी जी। और जो हमारे पास साधन है, कार है, जीप है जी जी, उसका कोई किराया चार्ज नहीं लेते जी। उसमें जी। जो डीजल चलता है 1,000 का चले, 1,500 चले, कई बार 200-400 का डीजल हमारे पास बच भी जाता है, तो बेचारा कस्टमर ये भी नहीं कहता हमारे को इसका हाँ पैसा दो, तो उसमें किराया नहीं लेते डीजल का पैसा, और 1,000 रुपए ईमानदारी की भैंस के, और रहने सहने की सब व्यवस्था हमारे पास है, खाने पीने कोई चार्ज नहीं, कोई चीज का नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसे 5 एनिमल इन्होंने भाई साहब ने लिए हैं, शिवपुरी एमपी से आए हुए थे, पांचों की एनिमल की भी आपको जानकारी दी गई है किस किस रेट में दिलाए गए हैं। तो बाकी जो भाई भैंस या गायें लेने का इच्छुक हो तो नीचे भाई साहब के नंबर भी संपर्क हो रहे हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। किसान डेयरी फार्म के नाम से इनकी डेयरी फार्म है, आपके सामने ये बोर्ड भी लगा हुआ है, पूरा एड्रेस इसके अंदर है, बाकी कोई भी भाई इनसे संपर्क कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।